उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 31 दिसंबर 2023 को स्नातक स्तरीय अर्हता के पदों के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ली थी। हम लोग ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की के साथ उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। मेनली जो पोस्ट थे वो वीडियो के पोस्ट थे, यह सेट सी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है श्रव रूप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन पेपर में चूंकि हम लोग जानते हैं कि वो यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, इसमें जो प्रोविजनल आंसर की होते हैं उसमें 2-4 क्वेश्चन गलत दिए जाते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इवन फाइनल आंसर की में भी 1-2 क्वेश्चन हमें गड़बड़ दिखने को मिलते हैं, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि पहले क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड करना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब हम लोग देखेंगे, मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को हम लोग आलेख कहते हैं, और किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी जो है ये संपादकीय कहलाता है। व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजन प्रस्तुति को हम लोग फीचर कहते हैं, जैसे फीचर फिल्म होते हैं। किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर प्रकाश समय पर क्रमशः प्रसारित करना, इसे हम धारावाहिक कहते हैं, जो कि धारावाहिक टेलीविजन पर जो आता है। इस तरह से जब हम मैच करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो है ये समान हिंदी के हैं, फिर समान अध्ययन के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद राज्य विशेष अध्ययन होंगे। तो यह जो क्वेश्चन पेपर है मुख्यतः 3 खंडों में बटा हुआ है, टोटल 100 क्वेश्चन हैं। इन 100 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो पहला खंड हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये समान हिंदी का है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक है। तो अभी हम लोग हिंदी के प्रश्नों का उत्तर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपयुक्त है? यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है, यस ये सही है। इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है, यह भी सही है। इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है, ये नहीं है। जबकि पुरोहित, लोहार, रूडिया और ढोल वादक को कार्य के बदले अन्य दिया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो उडवार से संबंधित 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, स्टेटमेंट 1, 2 और 4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सही युग्म को हमें छांटना है, अंतस्थ व्यंजन ये ल इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। दावत जो है इसे हम लोग आगत शब्द कहते हैं, थैला देशज शब्द है, पंकज ये योग रूप शब्द है और तहसीलदार ये संकर शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है? तो आसपास ये विलोम नहीं है, जबकि अदर जो है वो विलोम शब्द है। आखन है आंशु उनी, घूनन है जय के उनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आत्मीयता जनों को सहानुभूति होती है दूसरों को नहीं। आखन है आंशु उनी मतलब आंख में आंसू उन्हीं को है, घुनन है जय के उन्हीं मतलब जिसके साथ ये होता है उसी को ये पता चलता है। इस तरह से यहां पर इस लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो छीटाण का अर्थ है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि नहीं होता है इसलिए यह सही आंसर हो जाएगा। भतुआ, भट्टा, सेमी क्या है? तो ये वनस्पतियां हैं, भतुआ, भटा और सेमी। सेमी तो सेम है, भटा जो है हमको लग रहा है बैगन को कहते हैं, और भतुआ जो है ये कद्दू का एक रूप है, भतुआ उसको हम लोग कहते हैं भतुआ। तो ये वनस्पतियां हो जाएंगी सभी, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हे खग मृग के मधुर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इस पदांश में किस अलंकार की योजना है? तो मानवीकरण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण जो है यह किस संधि के नियमानुसार होगा? तो यण संधि। जैकी जवैन विक कवैन में जवे शब्द का क्या अर्थ है? तो घरवाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। झिकल कामुची उडियाली है, उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है, तो अतिवादी सर्वनाम नहीं होता है, जबकि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे सांचो या बगोई कहते हैं। कुमावनी भाषा में आड़ किसे कहते हैं? तो यह पहेली को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। राहुल घर जा रहा है, तो यह विविध वाचक है, राहुल घर जाओ ये अज्ञात है, क्या राहुल घर जा रहा है प्रश्नवाचक है, शायद राहुल घर जा रहा है यह संदेहवाचक है, ऑप्शन डी करेक्ट इसमें मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर भी मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। न करने योग, तो न करने योग को हम लोग अकर्णीय कहते हैं, जहां पहुंचा न जा सके उसे अगम्य कहते हैं, तो यहां पर यह मैच कर जाएगा। और जिसके पास कुछ ना हो वो अंकिचन है, और जिसकी गिनती न की जा सके ये अगणनीय है, जिसकी गिनती न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय। तो इस तरह से मैच करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है कैथी महाजनी
में। पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है? तो विराण, सुनान नाक, दुखौड़ू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग समान अध्ययन से रिलेटेड और समान ज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हमें। टू डिलीट होल वर्ड्स एट अ टाइम विच कीज शुड बी यूज्ड इन एमएस वर्ड? सो बोथ जो है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस डिलीट, बोथ ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो क्लाइनोमीटर ऊंचाई मापक नहीं है, मेजर एयर स्पीड। इसको थोड़ा सा देखना होगा, क्लाइनोमीटर जो है क्वेश्चन नंबर 21 से समान ज्ञान और समान अध्ययन के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अब हम लोग इनके आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, यहां पर कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे समान ज्ञान से रिलेटेड। टू डिलीट होल वर्ड्स एट अ टाइम विच कीज शुड बी यूज्ड इन एमएस वर्ड? तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस डिलीट जो है दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मेज्ड? सो बैरोमीटर जो है ये एयर स्पीड को मेजर नहीं करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, हमें मैच करना है कि कब चीजें ये हुई। जैसे एवोलिस्ट ऑफ डाइसी इन द प्रोविंस जो है, ये एवोलिस्ट जो है 1935 में हो जाती है, और डाइसी जो है प्रोविंस में 1919 के एक्ट के द्वारा आता है, और ये एवोलिस्ट जो है 35 में हो जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो है, इसको देखते हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1909 में आता है पहली बार, जिसमें कि जो मुस्लिम के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हो जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसमें, हाँ यहाँ पर बाइकैमरलिज्म हो जाएगा 1919, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा बिगनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइज यहाँ से ही आ जाता है। तो ए जो है वो तीन से मैच करेगा, हम लोग देख लेते हैं सही है इसमें। जैसे ए जो है विकेंद्रीकरण हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को ये करता है, भारतीय शासन अधिनियम यहाँ से द्विशदीय व्यवस्था की स्थापना होती है, और यहाँ पर जो है प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति जो है 1835 के अधिनियम से हटा दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही मैच कर जाएगा। फोर पिलर जो है मेक इन इंडिया का, वो न्यू माइंडसेट, न्यू सेक्टर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्रोसेस, अर्थात की माइंडसेट, सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेस पर बेस्ड है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि मेक इन इंडिया पहल चार स्तंभों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा चार स्तंभों में से नहीं है? तो डेस्टिनेशंस की बात नहीं की गई है, नए गंतव्यों के बारे में बात नहीं की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोक मूल सूचकांक में सम्मिलित है, तो 697 वस्तुएं सम्मिलित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था? तो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इसमें कोई बातें नहीं की गई थी, जबकि इन्वेस्टमेंट के बातें की गई थी, कंपटीशन पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के बारे में बात की गई थी। हम लोग जानते हैं कि WTO की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं, इसे डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है हमें फाइंड करना है? विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है, यह स्टेटमेंट सही है, और विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि हमारे पास पूंजी होगा तो हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, हमारा निवेश भी बढ़ेगा और हमारी तकनीक भी बढ़ेगी, क्योंकि पूंजी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम लोग FDI को ओपन करने की कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ जो केसेस हैं हमने FDI को खुली कर रखी है कि बाहर से जो भी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो डायरेक्ट हमारे इंडिया में की जा सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये गेहूं जो है गोमत नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। बजट जो है ये वार्षिक वित्तीय कथन है, बजट जो है आर्टिकल 112 में कहा गया है, नाबार्ड जो है ये HSG बैंक संबंधित कार्यक्रम करता है, और फेमा जो है आर्थिक सुधार से रिलेटेड है, CPI जो है ये मुद्रा स्फीति अर्थात की इन्फ्लेशन को देखता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही मैच कर जाएगा। मत विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब हमें देखना है कि उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। और एक तिहाई नहीं 50% रिजर्वेशन दिया गया है उत्तराखंड में महिलाओं को। खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया गया है, ये सही है। और खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो दो स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट तीन और चार। क्वेश्चन नंबर 33, कथन एक और कथन दो है और इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा कथन सही है। राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रह तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, तो यह स्टेटमेंट सही है। और आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति के विषय वस्तु हैं, तो ये गलत है, केवल स्टेटमेंट एक इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वैध संस्करण नहीं है, तो IPv11 जो है ये नहीं है। निम्न में से कौन सा दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। भारतीय रिजर्व बैंक का रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का परिणाम होगा कि तरलता तथा मांग में कमी हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का मतलब है कि बैंकों के पास जो है वो पैसा कम आएगी, बच जाएगी, तो वो क्या करेंगे कि लोन नहीं दे पाएंगे। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, सितंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित जो G20 हुआ था, 9 और 10 सितंबर को 18वां शिखर सम्मेलन जो है भारत ने इसकी अगुवाई की थी, किस देश के परिसंघ में इसमें शामिल हुआ है, तो अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया गया है। अब G20 जो है G20+1 हो गया है अफ्रीकी संघ के जुड़ने से। सूची एक और सूची दो को हमें सम्मिलित करना है। दादा भाई नौरजी जो है ये बॉम्बे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने दी मराठा लिखा था। लाला लाजपत राय द पीपुल ये लिखे हुए थे, इन्होंने संपादन किया था, तो ऑप्शन ए इसमें सही मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों जैसे गोपाल गणेश अगरकर और लोकमान तिलक के द्वारा की गई थी, और साथ ही साथ इसमें महान हस्तियां जुड़ी गोपाल कृष्ण गोखले और धोंडो केशव कारवे। तो चूंकि यहां पर लाला ये बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो तो मराठा से रिलेटेड है ही, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो है अब यहाँ पर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से वो रिलेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें मैच करना है, यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन भी दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सूची एक और सूची दो को हमें मिलाना है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि मनी बिल जो है ये 10 में है और वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन जो है वो 112 अनुच्छेद में है। संसद के वेतन एवं भत्ते आर्टिकल 106 में हो जाएंगे, और कठिनाइयों के निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार जो है ये आर्टिकल 392 इसका सही मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा अपना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है, यह सही आंसर है। यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात तथा महाराष्ट्र से होकर गुजरता है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो मैग्नेटिक डिस्क जो है नहीं है। निम्न में से कौन सा कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था, तो चेलिया कमेटी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने सिलदित्व की पदवी धारण की थी, तो हर्ष ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इसराइल के साथ साझा नहीं करता है, तो ईरान साझा नहीं करता है, जबकि सीरिया जॉर्डन और लेबनान जो है ईरान के पड़ोसी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के ओडिशा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता है, तो ये बेल्जियम को हराया था। क्वेश्चन नंबर 46, कथन एक और कथन दो को हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है, यह स्टेटमेंट सही है, जबकि यह स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें सही स्टेटमेंट को फाइंड करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्य है, यह सही है। यह कार्यक्रम जो है ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष, ये गलत है, जबकि स्टेटमेंट 3 सही है, तो इसमें केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है, यह स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 2 जो है, भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धन राशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में लगाया जाना है, यह भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 49, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर रोहतांग पास हो जाएगा, इसको मैच करना है, एक तरफ दर्रा है और एक तरफ राज्य है। उत्तराखंड में नीति पास है, उत्तराखंड में अपनी नीति पास है, सिक्किम में नाथुला है और अरुणाचल में दिहांग पास है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र
प्रकृति के हैं, तो गोलकनाथ वाद 1967 में जो आया था मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है यहां पर कहा था कि नहीं जो संसद है वो नहीं छीन सकती है, लेकिन फिर बाद में इसमें बहुत सारी चीजें संशोधित हुई, इसका एक क्रोनोलॉजी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 51, यहां से राज्य से संबंधित जानकारियां जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर किस स्थान का सही क्रम पर स्थित स्थानों का सही क्रम क्या होगा? हमें क्या करना है कि उत्तर से दक्षिण जाना है। सदी हम लोग अपने उत्तराखंड के मैप को कुछ ड्रॉ का करें तो कुछ इस तरह से उत्तराखंड अपना दिखता है। तो हमें उत्तर से दक्षिण जाना है, अर्थात कि नॉर्थ से दक्षिण जाना है। तो सबसे पहले हमें सोमेश्वर दिखेगा, अल्मोड़ा, खैरना और फिर बेतालघाट। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 को जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पांचवा धाम यात्रा की संज्ञा दी जाती है? तो ये खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सूची वन में आते हैं। जितने सारे जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं वो सब सूची वन में आते हैं। टोटल 6 जो है इसमें सूचियां हैं, 5 जो है जीवों के लिए हैं और जो छठी सूची है वो पौधों के लिए है। तो ये स्टेटमेंट सही है। धनेश अनुसूची 2 में शामिल है, ये नहीं, ये भी सूची 1 में ही होगा। इसलिए जो है इसमें केवल स्टेटमेंट 1 सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। धनेश का मतलब हॉर्नबिल है, सूची 1 का मतलब वो चीज है जिसको कि हम मार नहीं सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग हॉर्नबिल को मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। सरो हारुल छोपती लंगवीर हैं, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं ये। निम्नलिखित पर 56 जो है इसमें हमें सही मैच करना है। तो जिम कार्बेट और मायावती आश्रम दोनों गलत हैं। चैती मेला काशीपुर में होता है और झंडा मेला देहरादून में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस मायावती आश्रम को थोड़ा सा देखना होगा। मायावती आश्रम जो है लोहाघाट के पास है, स्वामी विवेकानंद का आश्रम है मायावती आश्रम, इसको थोड़ा सा देखना होगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी दिया जा रहा है, हम लोग देखेंगे इसको। फासना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है? तो ये तीनों से सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1839 में कुमायूं कमिश्नरी को 2 जिलों में विभक्त किया गया था, स्टेटमेंट सही है। ZW ट्रेलर प्रथम बंदोबस्त 1815-16 में बंदोबस्त अधिकारी था, ये भी सही है। और 8वें बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये गलत है, जबकि 11वें बंदोबस्त इंबस्टन बंदोबस्त के नाम से लोकप्रिय है। तो इसमें तीन स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1, 2 और 4, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमायूं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो रौत। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। रेणुका देवी मंदिर जो है ये नागपुरी में है, रघुनाथ मंदिर जो है ये देवप्रयाग में है, परशुराम मंदिर जो है ये फरासू में है और माता मूर्ति मंदिर जो है ये माणा में है। ऑप्शन सी करेक्ट मैच कर जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कटारमल सूर्य मंदिर जो है ये सही मैच कर रहा। भरत गुफा जो है ये पिथौरागढ़ में नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। और थल केदार जो है चमोली में नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा, बी और डी नहीं मैच कर रहा। उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? तो ये पिथौरागढ़ में किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, जिस प्रकार चेसवाणी भोज पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा भोज पदार्थ कुमायूं से संबंधित है? तो रस ठठवानी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जनपद बागेश्वर निम्नलिखित जिलों से घिरा हुआ है, तो ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली से घिरा हुआ है बागेश्वर। वर्ष 2020-21 के उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों को कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, बोए गए क्षेत्र के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो सबसे ज्यादा अपने उत्तराखंड में मंडुआ की खेती होती है, फिर गन्ना की खेती होती है, फिर हम धान की खेती करते हैं और लास्ट में हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पंच बद्री में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान बद्री। उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है ये मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और हमें सही कथन यहां से फाइंड करना है। उत्तराखंड MSME नीति 2015 में प्रदेश को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, ये सही है। और स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है, केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है? तो ओलगिया। क्वेश्चन नंबर 71, सही कथन हमें फाइंड करना है।
स्टेटमेंट 1, 3 और 4 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 72, हार्ट कालिका जो है ये गंगोली हार्ट से रिलेटेड है, वराही देवी जो है ये देवी धुरा है, सुरकुंडा देवी जो है ये धनौल्टी है, और छिन्नम मस्ता देवी जो है ये काली मठ है। इस तरह से ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें मैच करना है, मालू शाही जो है ये राजुली व मालू शाही की प्रेम कथा है, मालू शाही ने राजुली से प्रेम किया था तो ये डी से मैच कर रहा है। हुटकी बोल गाथा जो है ये कृषि व खेती बाड़ी पर आधारित लोक गाथाएं हैं, पावड़े अथवा भौड़ों ये जो है ये वीर रस आधारित लोक गाथाएं हैं, और जागर जो है लोक मान्यताओं पर आधारित लोक गाथाएं हैं। इस तरह से जब हम लोग मैच करेंगे इसको तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम सिडकुल की स्थापना जो है 2002 में हुई थी और ये हरिद्वार में है। चैत के महीने को नाच दो मैनो नाच का महीना कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। बेड़ू पाको बारो मासा नरेणी काफल पाको चैता। चैत एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही रोमांचकारी महीना होता है, उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत के लिए। प्रथम दो जो है चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झुमौलो और बासंती गीतों के साथ नाचती हैं। दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, सूची एक और सूची दो को हमें मैच करना है। चौ फूला जो है ये लोक नृत्य है, बारह मासा जो है यह लोकगीत है जो कि 12 महीने में गाया जाता है हर एक महीने का, जैसे चैता में चैती गाया जाता है बहुत जगह। बारह मासा जो है ये जायसी की रचना भी है, एक पुस्तक भी है जो कि पंजाब के प्रेम कहानी पर लिखी गई है, या पंजाब के लड़कियों और महिलाओं ने कौन कौन से गीत गाए हैं उसके बारे में बारह मासा पुस्तक में कहा भी गया है। लेकिन बारह मासा केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के बारह मासा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लोक गीत से रिलेटेड है ये। देव गुरु जो है ये चोटी है, देव स्थल जो है ये वेदशाला है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, यहां पर भी हमें मैच करना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है ये मई 2020 में आती है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है ये अक्टूबर 2020 में आती है, मिशन गौरा शक्ति जो है सितंबर 2021 में आता है, और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना अप्रैल 2021 में, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा अपना। उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। जैसे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो है ये टवीड व बाल मिठाई के लिए जाना जाता है, बागेश्वर जो है ताम्र शिल्प उत्पादन एवं मंडुआ बिस्कुट के लिए जाना जाता है, हरिद्वार जो है अपना गुड़ व शहद के लिए जाना जाता है, नैनीताल जो है एपण क्राफ्ट व कैंडल मेकिंग क्राफ्ट से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया, किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया, तो प्रताप शाह। गोट संबंधित है एनिमल हस्बेंड्री से, पशुपालन से रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, दो यहाँ पर दिए गए हैं कथन और कारण दिए गए हैं, अब हमें देखना है। आरंभिक अत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी, ये स्टेटमेंट सही है। अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। लेकिन गोमती नदी से काली नदी मिल जाती है, इससे ऐसा थोड़े है कि कत्यूरी राजाओं ने अपनी राजधानी जो है अस्कोट में बना ली। दोनों स्टेटमेंट इनविजुअल करेक्ट हैं, लेकिन रीजन आर जो है वो कथन ए को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा आर। ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है, तो ये बेगार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सूची 1 और सूची 2 को हमें फिर से मैच करना है। इसमें हमें ये पता करना है कि जिस तिथि को मनाया जाता है इसमें वो कौन सा है। देवी धुरी मेला जो है ना ये रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, और उत्तरायणी मेला जो है ये मकर संक्रांति, और गौचर मेला 14 नवंबर को, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। जयूला नापने की इकाई है, ये भूमि मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर भी मिलाना है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी जो है ये भवाली सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बडथवाल हिंदी अकादमी जो है ये देहरादून में है। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी जो है ये टिहरी में है, और उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान जो है ये रुद्रपुर में है। इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 87, नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा है, तो ये रासायनिक उत्पादन। निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ये सिड्रस देवदार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित हमें करना है। कालू महाराज जो है नॉट करेक्टली मैच यहाँ पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, तो ये गुप्त सैनिक संगठन निर्माण से रिलेटेड है। हाँ, 1857 के क्रांति के ये महायोद्धा हमारे उत्तराखंड के माने जाते हैं, ये कुमायूं क्षेत्र के लोहाघाट एरिया से रिलेटेड है, जिस एरिया में जो मायावती आश्रम है ना उसी एरिया में कालू महरा का भी गांव है।
ये भी सही है, ये भी सही है, जबकि ये जो है सही नहीं मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेकरा से संबंधित है, ये देवी और देवताओं के क्ले मॉडल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, मैच करना है। यहाँ पर कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस दिखेंगे हमें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक महिला का परिचय कराते हुए ये सही आंसर बहन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन बी इसका भी सही है, ये सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 98 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस का आंसर की देख लिया। इसमें कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि गलत हो, जिसको कि हम लोग बाद में फाइनली फिर सुधारेंगे जब फाइनल आंसर की आ जाएगा। तो